अच्छा जी, पहले भाई ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको कुछ चीज़ें सिखा लें। देखो भाई, हमारे पास केमिस्ट्री चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं केमिस्ट्री, ये 10th क्लास की केमिस्ट्री है। 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सही है भाई। सर मैं क्या क्या कर रहा हूँ सर, इसके अंदर मैं आज आप लोग को बस इसके चंद न्यूमेरिकल सिखा दूँगा। मैं आज आपको जो बस इसके चंद न्यूमेरिकल सिखा दूँगा। सर कौन सा चैप्टर है, इक्विलिब्रियम है। इसके अंदर 3 मेजर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। देखो भाई, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा भाई, ठीक है ना बेटा। व्हाट्सएप पे अगर कोई भी मुझे कोई भी सवाल हो किसी को भी कहीं से भी, तो बेटा व्हाट्सएप पे सेंड कर देना और मैं इंशाल्लाह उसका जल्दी जवाब दे दूँगा, ठीक है। किसी भी तरह की बेटा क्यूरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर उर्दू इस्लामियत, ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर आंसर कर दूँगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई क्या करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखो भाई, फर्स्ट है सवाल नंबर पहला भाई। पहले सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं भाई, डाई नाइट्रोजन। सर डाई का मतलब क्या होता है, सर डाई का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, सर डाई का मतलब केमिस्ट्री में होता है टू। डाई का मतलब क्या होता है टू, मतलब कह रहे हैं भाई डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा का मतलब क्या होता है फोर, टेट्रा का मतलब क्या होता है फोर, यानी N2O4, यानी एन, यानी हमसे कह रहे हैं, यानी हमसे साहब कह रहे हैं कि भाई N2O4 ये हमारे पास डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड डिकम्पोज हो गया। सर डिकम्पोज का मतलब क्या है, सर डिकम्पोज का मतलब क्या है भाई, डिकम्पोज अगर हम आसान अल्फाज में मतलब आपको समझाएं, डिकम्पोज का अगर हम आपको आसान अल्फाज में मतलब समझाएं, तो डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। कोई चीज़ टूट गई ब्रेक डाउन हो गई सर, कोई चीज़ टूट गई सर ब्रेक डाउन हो गई। सर डिकम्पोजिशन दो तरह की होती है, सर डिकम्पोजिशन हमारी केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे एक और तरह की होगी, आपके सामने लिखा होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी आपके सामने बेटा क्या लिखा हो, थर्मल डिकम्पोजिशन लिखा हो, क्या लिखा हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब उसका समझना क्या मतलब होगा उसका, उसका मतलब होगा क्या भाई, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमने विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं, और हमने किसको इस्तेमाल करके, हीट को इस्तेमाल करके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं और हमने किसको इस्तेमाल करके, हीट को इस्तेमाल करके क्या किया है, हमने इस्तेमाल किया सर हीट को, और क्या किया है हमने ब्रेक डाउन किया है, हमने इस्तेमाल किया है हीट को और क्या कह रहे हैं ब्रेक डाउन किया है किसी भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है। अब इस सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे सवाल में साहब क्या कहना चाह रहे हैं, ज़रा इस सवाल को डिस्कस कर लेते हैं भाई। कह रहे हैं भाई जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड था ना, ये डिकम्पोज हुआ है और बना है NO2, ये डिकम्पोज हुआ और क्या बना है NO2 भाई। कह रहे हैं मेरे लिए काम करो सर, ड्राइव करो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन, क्या करो ड्राइव करो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट की एक्सप्रेशन और उसके केसी की यूनिट, और उसके केसी की यूनिट। देखो भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केसी सेम ही चीज़ होती है, केसी क्या है सर, केसी सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर ऑलमोस्ट बेटा सारा उसी के ऊपर क्या कहते हैं बेस करता है। देखो भाई जरा इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सर हमसे कह रहा है, सर ये साहब हमसे कह रहे हैं कि N2O4 कन्वर्ट हुआ है भाई। देखो डबल एरो लगाऊंगा, डबल एरो लगाऊंगा क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, रिवर्सिबल रिएक्शन है सर, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, सिंगल एरो नहीं लगा सकते, सिंगल एरो लगता है इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है सर, ठीक है। तो भाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, किस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, NO2 के अंदर। सर क्या ये चीज़ बैलेंस है, सर क्या ये चीज़ बैलेंस है, नहीं याद रखना भैया, याद रखना। देखो भाई हमेशा जब भी तुम कोई केसी की एक्सप्रेशन लगा रहे हो, केसी की एक्सप्रेशन बना रहे हो, लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो रिगार्डिंग केसी, तो भाई कंडीशन याद रखना भैया इसके अंदर कि तुम्हें बैलेंस करना ज़रूरी है। इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है, नहीं अब यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस है, नहीं तो क्या करोगे भाई यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूँ 2, तो नाइट्रोजन भी 2 हो गया, इस तरफ भी कितना नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर सर है 4 और 2 2 4, तुम्हारे पास राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया सर, राइट हैंड साइड पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया, सही है। तो ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली कि सबसे पहले हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। सर केसी का फॉर्मूला क्या है, सर केसी का फॉर्मूला क्या है, तो भाई केसी का फॉर्मूला होता है केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जो सीधे हाथ पे चीज़ हो, प्रोडक्ट क्या होता है, जो सीधे हाथ पे चीज़ हो, जो कि बना हो। अब सर लिख लेते हैं प्रोडक्ट क्या है सर हमारे पास NO2, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास NO2। सर पावर कुछ आएगी, जी सर पावर 2 आएगी, क्यों, क्योंकि आगे 2 मोल लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा N2O4, नीचे क्या आ जाएगा N2O4, ब्रैकेट लगाना बेटा ज़रूरी है सर ये।
से की ब्रैकेट लगाना जरूरी है, टीशर्ट जरूरी है, क्यों क्यों, क्योंकि भाई शो करता है एक्टिव मास को, ये शो करता है एक्टिव मास को, ठीक है। लॉ ऑफ लॉ, ये आपके बुक के अंदर बेटा पेज नंबर पे, पेज नंबर एक पेज नंबर है बता देता हूँ बेटा कौन सा, बेटा ये आपकी बुक का पेज नंबर, ये आपकी बुक का पेज नंबर 5 देख लो आप, ठीक है। लॉ ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है, इसकी वजह से लगाया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तो भाई हमने क्या बना ली इसकी, वो तो बना ली हमने इसकी, हमने इसकी एक्सप्रेशन तो बना ली सर जी, हमने इसकी एक्सप्रेशन क्या कर ली, बना ली। अब क्या करना है, आप क्या कह रहे हैं हमसे, आप कह रहे हैं यूनिट, आप कह रहे हैं क्या यूनिट, सर केसी की यूनिट क्या होता है, सर केसी की यूनिट क्या होता है, देखो भाई केसी की यूनिट होता है हमारे पास, केसी क्या होता है भाई, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। सर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है, एन अपॉन वी, क्या है कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला, अपॉन एन अपॉन वी, वॉट इज एन बेटा मोल, वॉट इज एन मोल बेटा, वॉट इज वी वॉल्यूम, वॉट इज वी वॉल्यूम, तो भाई मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया, मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया, तो मोल की जगह मोल लिख देंगे, और वॉल्यूम किसने मेजर किया आता है, डी एम क्यूब में, वॉल्यूम किसने मेजर किया आता है, डी एम क्यूब में, वॉल्यूम किसने मेजर किया था, डी एम क्यूब में, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, और यहाँ पे क्या लगा दूंगा सर मैं, यहाँ पे लगाऊंगा मैं माइनस, रीज़न बता दूँगा उसका, रीज़न मैं इसका आपको अभी बताता हूँ, मोल पर डी एम क्यूब यहाँ पर माइनस थ्री आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस थ्री, ठीक है, क्यों क्यों सही भाई, देखो मोल है ऊपर तुम्हारे पास, मोल क्या है ऊपर, वॉल्यूम क्या है नीचे, डी एम क्यूब क्या है नीचे, सर यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड ऊपर भेज दोगे, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगी बेटा, पावर की चेंज हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, मोल पर डी एम क्यूब, ठीक है। अब इसके क्या निकाल लें, यूनिट्स निकाल लें, अब इसके क्या निकाल लें सर जी, अब इसके क्या निकाल लें, यूनिट्स निकाल लें, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, ये देखना ज़रा कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखना देखना भाई, भाई प्रोडक्ट क्या है ऊपर आ गया, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट भी भाई किसके अंदर मेजर किया जा रहा है, मोल पर डी एम क्यूब के अंदर मेजर किया जा रहा है, पर पावर कितनी है, टू अपॉन में क्या है, मोल पर डी एम क्यूब, यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो क्या है सर यहाँ पर वन है, यहाँ पर क्या है वन, तो इससे ये एक पावर कैंसिल, क्या बच गया, मोल पर डी एम क्यूब, मोल पर डी एम क्यूब, ये क्या आ गया हमारे पास, केसी के यूनिट्स, ये क्या आ गया हमारे पास, केसी का यूनिट, ये आ गई सर मेरे पास एक्सप्रेशन, और ये क्या आ गया मेरे पास, यूनिट, बिल्कुल ये बड़ा आसान सा सर, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला सवाल था ये, अगर ठीक है बच्चों, एकदम आसान सा, एकदम बच्चों वाला सवाल था सर ये हमारे पास। अगला सवाल देख लेते हैं सर जी, अगला सवाल देख लेते हैं ज़रा, हम अगले सवाल देख लेते हैं भाई, अगले सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं, अगले सवाल में सब हमसे कह रहे हैं कि भाई हमारे पास लिखा हुआ है पी सी एल फाइव, हमारे पास क्या है, पी सी एल फाइव कॉमा पी सी एल थ्री एन सी एल टू आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन, सर टेम्परेचर तुम्हारे पास क्या है 500 केल्विन तुमने लिया भाई, इक्विलिब्रियम सेटअप हो चुका है, इक्विलिब्रियम क्या हो चुका है, सेटअप हो चुका है, अच्छा जी, क्या पे क्लोज कंटेनर में, देखो बेटा इक्विलिब्रियम के लिए शराइती क्या है कि भाई क्या कंटेनर क्लोज हो, अगर कंटेनर ओपन है तो बेटा मास क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या सी एल टू गैस, सी एल टू क्या गैस है बेटा, उड़ जाएगी, इक्विलिब्रियम ही नहीं सेटअप होगा, सी एल टू क्या है गैस है, उड़ गई तो इक्विलिब्रियम सेटअप ही नहीं हो पाएगा, आया, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्लोज कंटेनर लिखा हुआ है। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी गिवन है, 0.8 1.2 और फिर 1.2 रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का सर हमारे पास मतलब क्या है, हमारे पास रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, रिस्पेक्टिवली का हमारे पास मतलब क्या होता है, रिस्पेक्टिवली का हमारे पास मतलब होता है जिस ऑर्डर में ये चीज़ लिखी हुई ना उसी ऑर्डर में ये चीज़ लिखी हुई है, मतलब भाई पी सी एल फाइव की ये वाली पहली वाली वैल्यू है, सी एल थ्री की, पी सी एल थ्री की सेकेंड वाली वैल्यू है, और सी एल टू की क्या है थर्ड वाली वैल्यू है, ठीक है, और इसने एक्सप्रेशन हमें खुद दी हुई है, इसने हमें एक्सप्रेशन क्या कहते हैं खुद दी हुई है, हमने क्या करना है, हमने बस सॉल्व करना है, हमने क्या करना है, हमने केसी की वैल्यू निकालनी है, चलो भाई लिख लेते हैं ज़रा केसी की वैल्यू, क्या कर लें ज़रा केसी की वैल्यू निकाल लें, ज़रा क्या कर लें आप, ज़रा केसी की वैल्यू क्या कर लें निकाल लें, इसको ज़रा मैं नीचे ले आता हूँ ताकि आसानी हो जाए, चलो भाई ज़रा यहाँ पे बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, केसी का फॉर्मूला क्या आ गया, केसी का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट,
केस इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है अभी हमारे पास यहाँ पर सर, हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास Cl2, क्या प्रोडक्ट मेरे पास Cl2 क्लोरीन और हमारे पास PCl5 और हमारे पास PCl3 हमारे पास प्रोडक्ट है। भाई सर आपने तो बोला था कि क्या करें, सबसे पहले बैलेंस करें, सर आपने तो बोला था सबसे पहले क्या करें, बैलेंस करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर ये पहले से बैलेंस है, यहाँ पर ये पहले से क्या है, बैलेंस है। कैसे कैसे बताऊँ मुझे, ये देखो भाई पीसी या इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे एक 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 तुम्हारे पास फॉस्फोरस है और राइट हैंड साइड पे भी एक है Cl क्लोरीन, यहाँ पर टोटल कितना है 5 और सीधे हाथ पे भी कितना है टोटल 3 और 2 5। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे लगा सकता हूँ। ये मैंने लिख लिया ऊपर प्रोडक्ट, ये मैंने क्या लिख लिया ऊपर प्रोडक्ट, नीचे क्या आ जाएगा रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है भाई मेरे पास, रिएक्टेंट है मेरे पास PCl5, ये आ गया मेरे पास इसका रिएक्टेंट। ज़बरदस्त ये बना लिया, सही है। अब मैं क्या करूँगा मैं बस इनकी वैल्यूज़ लगा दूँगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं लाइन खींच ली। भाई Cl की वैल्यू मुझे कितनी पता थी, भाई Cl की वैल्यू मुझे कितनी पता थी, Cl की वैल्यू मुझे पता थी 1.2 × 10⁻³ और PCl3 की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास, PCl3 की वैल्यू भी मेरे पास 1.2 × 10⁻³ कितनी आई, -3। और PCl5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, और PCl5 की मेरे पास वैल्यू कितनी है 0.8 × 10⁻³। ये तीनों चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन कर ली, ये तीनों चीज़ें मैंने लिख ली, सही है। अब क्या करूँगा, अब मुझे कुछ भी नहीं लगाना, मुझे सिर्फ करें कैलकुलेटर में वैल्यू रखनी है और मुझे आंसर निकालना है। आंसर निकालना है। तो भाई इससे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, इससे मेरे पास आंसर आ रहा है 1.8 × 10⁻³। सर सर ये लिख के आंसर हो जाएगा, नहीं ये लिख के हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्यों क्यों क्योंकि भाई ऊपर जाओ भाई, उसने मांगे होंगे यूनिट्स। ये देखो सबसे आखिरी लाइन क्या लिखा है भाई, अलॉन्ग विद द यूनिट्स, क्या क्या कह रहे हैं हमसे भाई, यूनिट्स भी तो चाहिए उसको, ठीक है यूनिट्स भी तो चाहिए उसको। तो भाई यूनिट निकाल लेते हैं भाई उसके लिए, क्या निकाल लें हम लोग उसके लिए यूनिट, कैसे निकालेंगे ये देखो भाई, बड़ी आसान सी बात है। इसके ऊपर पावर कितनी है 1, एक वन कैंसिल, कितनी बार की पावर सिर्फ 1 बच गई, पावर सिर्फ वन बच गई। क्या मतलब सर इस बात का, सर पूरा सही से सॉल्व करके दिखा देते हैं भाई। ये देखो भाई, ये देख लो, ऊपर था मेरे पास मोल पर DM³ Cl2 का, वापस से सर मोल पर DM³ एक और, ठीक है, और नीचे क्या था मेरे पास अगेन मोल पर DM³, ठीक है। तो भाई मोल पर DM³ कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास का आंसर आ गया मोल पर DM³, सही है। तो केसी की वैल्यू एंड यूनिट, ये क्या आ गया मेरे पास सीधा सीधा आंसर। आखिरी सवाल सर, अच्छा जी, अब हमने आखिरी सवाल डिस्कस करना था इसका। तो भाई इसका आखिरी सवाल जो है, इसका जो आखिरी सवाल है, ज़रा उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो लास्ट सवाल है, यानी जो आखिरी सवाल है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या हुआ ये। चलो भाई भाई, जो इसका आखिरी सवाल है, ये जो इसका आखिरी जो सवाल है, ये हमसे क्या कह रहे हैं, भाई इसका आखिरी सवाल हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास है एक रिएक्शन जिसकी केसी की वैल्यू में गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, सही है। और इसके क्या करना है, हमें डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है। देखो भाई, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कभी भी आप खुद से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमेशा का कंपेरिजन।
पकड़ना पड़ेगा हमेशा कंपैरिजन। किस तरीके का कंपैरिजन सर? किस तरीके का कंपैरिजन तुम बताओगे सर? क्यूसी और केसी का कंपैरिजन। देखो भाई, केसी हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट वाली वैल्यू जो कि इक्विलिब्रियम पे हो, जो कि किस पे हो? इक्विलिब्रियम पे हो। पर क्यूसी क्या होता है सर? सर क्यूसी हमारे पास होता है एट एनी गिवन इंस्टेंट, मतलब किसी भी वक्त पे। ज़रूरी नहीं है कि भाई क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, किसी भी वक्त पे जो रेशो हुआ है तुम्हारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, उसे तुम क्या कहते हो? केसी कहते हो, क्यूसी कहते हो, ठीक है। तो सर क्यूसी के लिए तीन कंडीशन है, क्यूसी के लिए तीन कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर क्यूसी और केसी बराबर हो, अगर क्यूसी और केसी का आंसर सेम आ रहा हो, यानी क्यूसी और केसी क्या हो? बराबर हो, तो आपको समझ जाना है कि रिएक्शन किस में? रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन किस में सर? रिएक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। अच्छा जी, अगर क्यूसी की वैल्यू सर बड़ी हो, ग्रेटर हो केसी से, तो रिएक्शन किस में सर? यह है इक्विलिब्रियम पे, और ये किस में है? रिवर्स, ये हमारे पास रिवर्स पे। और अगर क्यूसी की वैल्यू हमारे पास छोटी हो केसी से, मतलब केसी की वैल्यू बड़ी हो क्यूसी से, तो हमारे पास रिएक्शन किस में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब ज़रा हमें क्या करना है, केसी की वैल्यू इसने हमें बताई हुई है, केसी की वैल्यू सवाल में इसने हमें बताई हुई है, और हमें निकालना है क्यूसी। सर क्यूसी और केसी का फॉर्मूला सेम है, क्यूसी और केसी का फॉर्मूला क्या है? सेम है। क्या है भाई क्यूसी का फॉर्मूला? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ज़रा निकाल देते हैं इसे, अब ज़रा निकाल लेते हैं इसे। इस तरीके से ऐसे दिखेगा। देखो भाई प्रोडक्ट कैसे, इस पहले रिएक्शन लिख देता हूँ। देखो टू एच आई गिव्स अस एच टू प्लस ओ टू, सॉरी एच टू प्लस आई टू। ये हमारे पास क्या रिएक्शन है? ये हमारे पास क्या रिएक्शन है? अब मैं क्या करूँगा, मैं भाई इसका कुछ नहीं, कुछ पहले मैं इसकी एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी एक्सप्रेशन बना लेता हूँ। एक्सप्रेशन क्या बनेगी भाई मेरे पास? दोनों जो प्रोडक्ट है मेरे पास, दोनों जो क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट, वो आ जाएंगे ऊपर, वो आ जाएंगे ऊपर, और रिएक्टेंट कहाँ जाएगा? नीचे। रिएक्टेंट कहाँ जाएगा मेरे पास? नीचे। हाँ जी, रिएक्टेंट कहाँ जाएगा मेरे पास? नीचे। पर और पावर कितनी होगी सर आई टू के ऊपर? टू की। अब ज़रा मैं इसकी जगह इन सब की वैल्यूज लिख दूँ, अब ज़रा मैं इनकी जगह इन सब की क्या लिख दूँ? वैल्यूज लिख देता हूँ। तो भाई मेरे पास एच आई की वैल्यू कितनी है? मेरे पास एच आई की वैल्यू है, एच आई की वैल्यू मुझे इन लोगों ने बताई हुई है, टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव, टू इंटू टेन की पावर माइनस फाइव। और पावर कितनी है सर इसकी? टू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ? टू लिखा हुआ सर, मोल दो मोल इन्वॉल्व हैं इसके। अच्छा, एच टू की वैल्यू कितनी है सर? एच टू की वैल्यू कितनी है? वन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव, वैसी आ गई। वन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव वैसी आ गई। और आई टू की वैल्यू कितनी है? आई टू की वैल्यू कितनी है सर? आई टू की वैल्यू है हमारे पास वन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव। क्या होगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं करना। क्या होगा? कुछ भी नहीं करना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है सब, कुछ भी नहीं करना सर जी, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है। और आंसर कितना आ रहा है भाई मेरे पास का, निकाल लेते हैं अभी आंसर। इसका आंसर कितना आ रहा है सर जी मेरे पास? इसका आंसर आ रहा है मेरे पास, इसका आंसर कितना आ रहा है मेरे पास? 0.25। अच्छा जी, तो जो 0.25 मेरे पास आंसर आया है, 0.25 जो मेरे पास आंसर आया है, क्या ये बड़ा है छोटा है या सर क्या है ये, या बराबर है? तो हमारे पास या बड़ा है छोटा है या बराबर है मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी मेरे पास कितना है सवाल में इसने बताया हुआ मुझे, 1 × 10 की पावर माइनस फोर है। कितना है? 1 × 10 की पावर माइनस फोर इसने पहले से बताया हुआ है, इसने पहले से क्या किया हुआ है, बताया हुआ है। अब बस कंपेयर कर लेता हूँ सर, 0.25 बड़ा है या कॉमा 1 × 10 की पावर माइनस फोर। अब अगर आपसे जज नहीं हो रहा सर, अगर आपसे जज नहीं हो रहा, तो इसको देखो पॉइंट, देखो वन और टू दो दफ़ा पीछे ले आओ, तो कितना हो रहा है? 25 × 10 की पावर माइनस टू। और क्या है?
1 × 10⁻⁴ कौन सा बड़ा होगा, पावर माइनस टू बड़ी होती है या पावर माइनस फोर बड़ा होता है? पावर माइनस टू बड़ी होती है या पावर माइनस फोर बड़ी होती है? बताओ, बड़ी सीधी सीधी लॉजिक है, सही है। तो भाई इसका आंसर क्या है हमारे पास? इसका आंसर ये है कि भाई हमारी 25 × 10⁻² बड़ा है। इसका मतलब है QC की वैल्यू क्या है हमारे पास? बड़ी है सर KC से। इसका मतलब है रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन। रिएक्शन विल प्रोसीड इन रिवर्स डायरेक्शन में तुम्हारे पास रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। आया? अब इसमें जो चीज़ समझ नहीं आई हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है, इसमें से पूछ लेना, सही है। चलो, शुक्रिया।